महिला संगठनों की तरफ से जो चार्टर ऑफ डिमांड्स तैयार किया गया है चुनाव के मौके पर, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करें और उसके साथ सरकार बनाएंगी तो अपनी नीतियों में और अपने प्रोग्राम्स में शामिल करें, उसमें एक अच्छी बात यह है कि देश के पूरे 9 राष्ट्रीय महिला संगठनों ने इस बात पर सहमति जताई है कि आने वाले चुनाव में जो मुख्य चुनौतियां हैं महिलाओं के सामने, उसमें जहां पे नव उदारीकरण की ये नीतियां और इनको लाने वाली कांग्रेस और जो इसके अलाइज हैं वो एक तरफ है, इसके साथ साथ जो इसका फ़ायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से एक कम्युनल पूरा एक गठजोड़ तैयार हो रहा है और उनको पूरा उनके साथ में मिली हुई हैं वो प्रतिक्रियावादी ताकतें जो महिलाओं को बिल्कुल एक फ्यूडल एंगल से वो देखती हैं कि परिवार के अंदर ही उसकी मुख्य भूमिका है और उस भूमिका का मतलब ये है कि उसका परिवार में ना तो कोई डिसीजन मेकिंग में भागीदारी और ना ही प्रॉपर्टी राइट्स उसके जो हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी में, मैरिटल प्रॉपर्टी के अंदर वो जो है, तो वो ताकतें और उसके साथ जातिवादी ताकतें जो हैं वो जो खासतौर पे उत्तरी भारत के अंदर ये खाप पंचायतों के नेतृत्व में या दूसरे जातिवादी संरचनाओं के नेतृत्व में जो हमेशा महिलाओं के अधिकारों पर हमले करती रहती हैं वो भी उनके साथ मिली हुई हैं, तो ये इनके ऊपर एक सहमति बनी है ये चैलेंजेस के ऊपर। और इन चैलेंजेस के संदर्भ में फिर जो मुद्दों के रूप में जो मतलब केंद्रित किए जाएंगे जो इश्यूज़ जो हैं वो है पिछले दिनों जिस कदर जो महंगाई बढ़ी है, हिंसा बढ़ी है और ख़ास तौर पे युवा लड़कियों के प्रति हिंसा, जो युवा लड़कियां आज हर क्षेत्र में बराबर की भूमिका अदा करने के लिए वो आ रही हैं आगे, उनके ऊपर जो हमले हुए हैं, इसके अलावा उनके जो विकास के सवाल हैं उसमें रोज़गार का जो सवाल है, रोजगार में मतलब जो संगठित क्षेत्र से वो बाहर धकेली जा रही है, जहाँ पे असंगठित क्षेत्र में वो ठेके के ऊपर छोटी छोटी फैक्ट्रियों के अंदर प्राइवेट संस्थानों के अंदर जो काम करती हैं वहाँ पे, वहाँ किसी तरह के कोई श्रम कानून लागू नहीं है, वहाँ पे घोर असुरक्षा और शोषण है उनका उस तरह से। और उसी के साथ साथ ऐसा लगता है कि जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में और दूसरी जगहों पे उनके लिए रोज़गार के मौके जो हैं वो मतलब बन भी रहे ऐसा लगता है, लेकिन वो जगहें भी जो हैं हम देखते हैं कि उनके लिए बहुत असुरक्षित हैं। इसके साथ साथ उनके जो स्वास्थ्य की जरूरतें हैं बिल्कुल उनकी घोर उपेक्षा है, शिक्षा का मौका जो किसी भी इंसान को अपनी बदहाली के कारण जानने का मतलब अवसर देता है वो शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगी हुई है कि उनकी पहुंच से बाहर है वो एक तरह से। और इसके साथ साथ एक स्वस्थ संस्कृति की बजाय यहाँ पे हर तरह के जो अपराधीकरण लूटपाट का जो माहौल है इसका भी सबसे ज़्यादा असर जो है वो महिलाओं पर ही पड़ता है, तो ये इश्यूज़ हैं कि जिनको वो चाहती हैं कि राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो मतलब एड्रेस करें और उनके ऊपर वो किस तरह से आने वाले समय में इनके ऊपर अंकुश लगाएंगी वो अपना कार्यक्रम रखें।